वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। अगर आप मेरे इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। बट आपके जो लूजिंग ट्रेड्स है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा एंड कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड मार्केट आज ऑलमोस्ट साइडवेज था। एंड ऐसे ही साइडवेज मार्केट में जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। बट देखिए, यहाँ पर जो हमारे सेटअप इतनी रिफाइंड है कि आज ना हमें तो कोई लॉस हुआ, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हुआ, बट एटलीस्ट लॉस से बच गए। सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट कैंडल है उस पर एक बाय सिग्नल आया। तो जब भी बाय सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैंडल हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए तो ही हम ट्रेड पर एंट्री लेते हैं। बट यहां पर देखिए, ये बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बीचों बीच है, तो यहां पर तो हमें बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है। तो ये जो फेक सिग्नल था, फेक ट्रेड था, इससे हम बच गए। उसके बाद अराउंड 10:40 मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि मार्केट हैज ओपन नियर रेजिस्टेंस एंड आप डिप पर बाई कर सकते हो अराउंड दिस लेवल। उसके बाद अराउंड 11:50 मैंने टेलीग्राम पर एक और पोस्ट किया था कि अगर आपने डिप्स पर बाई किया है देन शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू योर कॉस्ट प्राइस। उसके बाद देखिए, मार्केट ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, बट यस 100 to 150 पॉइंट्स मिला होगा। बड़ी प्रॉफिट नहीं है बट ठीक ठाक है ऐसी मार्केट सिचुएशन पर। अगर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर जाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट पर डाल दूंगा। प्लीज नोट, टेलीग्राम पर काफी सारे फेक चैनल्स हैं, तो आपको जब भी मेरे टेलीग्राम पर विजिट करना है तो लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एक चीज आपको समझना है, मार्केट के मूवमेंट रेगुलरली सेम नहीं होता है। कभी साइडवेज होता है, कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट्स होता है। तो वन थिंग यू हैव टू मेक इट क्लियर, ऐसी मार्केट कंडीशन में आपको जो भी मिले, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी छोटे प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको छोटी प्रॉफिट मिलता है तो आपको जो भी मिलता है आप खुशी खुशी वो प्रॉफिट घर लेके जाइए। तो एंड अगर आप आज की क्रूड ऑयल की चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल पर सबसे पहले एक बाय सिग्नल मिला था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये बिल्कुल हमारे सेटअप के अंदर में है एंड स्टॉप लॉस होगा आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। अभी भी ट्रेड चल रहा है, हालांकि उसके बाद एक सेल सिग्नल मिला है, ये सेल सिग्नल भी एज पर आर सेटअप है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन लगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल लॉसेज में एग्जिट कर सकते हैं, या नहीं तो यू कैन स्टिक टू योर स्टॉप लॉस। बाकी अभी कमोडिटी पर 11:30 तक टाइम है, तो बाकी देखते हैं आज क्या होगा। एंड अगर मैं आज की फॉरेक्स की बात करूं तो गोल्ड स्पॉट की देखिए, सबसे पहले यहां पर एक रेंज ब्रेकआउट है जो कि बिल्कुल वैलिड रेंज ब्रेकआउट है। जब भी आपको रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक सेपरेट स्ट्रेटजी मिलता है रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर के ऊपर, जहां पर हम लाइन चार्ट या नहीं तो एक्सटेंडेड ट्राइंगल लाइन से वेरीफाई करते हैं कि कब कैसे आपको एंट्री लेना है या एंट्री नहीं लेना है। तो इस रेंज ब्रेकआउट पर कोई ट्रेड अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इस लेवल के नीचे ही हमारे ट्रेड एक्टिवेट होगा जो कि काफी लेट मिला है। उसके बाद एक सुपर बाई सिग्नल मिला है। सुपर बाई क्या है, जब भी सेम कैंडल पर दो इंडिकेटर सिग्नल देता है उसे हम सुपर बाई कहते हैं। मतलब ऑन द सेम कैंडल रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा है एंड पुल बैक मोमेंटम भी बाई सिग्नल दे रहे हैं। बट यहां पर एक सेटअप है जो जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जिस कैंडल पर हमें सुपर बाई सिग्नल मिलता है, इस कैंडल पर आप एंट्री नहीं लेंगे, आपको नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना है। जब भी नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद का कोई भी कैंडल सुपर बाई की कैंडल की हाई को क्रॉस करके क्लोज देगा तब भी आपको
एंट्री लेना है उसके पहले नहीं। एंट्री लेने के बाद सिग्नल कैंडल की लो होगा स्टॉप लॉस। तो लेट्स से आपने एंट्री लिया एंड आपके स्टॉप लॉस 10 रुपया है, तो आपको क्या करना है 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब जैसे ही यहां से 5 रुपया का अपसाइड मूवमेंट देता है आपके जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस पर लेके जाना है। तो समवेयर हियर देखिए उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया एंड जो आपके कॉस्ट प्राइस है आपके कॉस्ट प्राइस पर ही आप एग्जिट कर गए, इस पर भी कोई लॉस हुआ नहीं है। एंड ये जो रेंज ब्रेकआउट की सिग्नल है इस पर ट्रेड हुआ है हाल ही छोटी पॉइंट्स के साथ। जैसे आपको पता है आज के मार्केट कंडीशन क्या है, तो जो भी मिले खुशी खुशी आपको लेना है। एंड अगर आज मैं स्टॉक्स की बात करूं तो नॉर्मली मैं अदानी पोर्ट्स एंड कुछ ही सिलेक्टेड स्टॉक्स है जिस पर मैं ट्रेड लेता हूं, तो स्टॉक्स पर आई प्रीफर 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे पहले 1248 की कैंडल पर रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है एंड ये वैलिड सिग्नल था। एंड यहाँ पर जो मैंने हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ किया है इसके नीचे हमारा ट्रेड एक्टिव होता है। तो देखिए अराउंड दिस लेवल 16 की कैंडल की क्लोजिंग पर जो है ट्रेड एक्टिवेट हुआ है एंड द फर्स्ट टारगेट वाज टिल दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अदानी पोर्ट्स पर भी आज एक छोटा सा पॉइंट्स मिला है एंड इट इज ऑलवेज बेटर देन अ लूजिंग ट्रेड। सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए एंड प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन कीजिए, आप भी मार्केट से पैसा बना सकते हो। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन्ड बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।